दोस्तों एक समय था कि सुरंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों से छुपकर लड़ने के लिए ही किया जाता था। लेकिन आज के इस बदलते समय के साथ साथ सुरंग का इस्तेमाल एक जगह से दूसरे जगह तक आने जाने के लिए भी किया जाने लगा है। जमीन से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और समुद्र, आज हर जगह ये सुरंग होती है। और अगर आप भी कभी इन लंबी लंबी सुरंगों से होकर गुजरे हैं ना, तो क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल नहीं आया कि आखिर समुद्र के अंदर से होकर गुजरने वाली ये लंबी लंबी सुरंगों को आखिर कैसे बनाया जाता है, आखिर कैसे इनका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और जानेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सुरंग को बनाने का काम शुरू होता है एक ऐसी जगह से जहाँ की मिट्टी चट्टाने सही होती है, और सुरंग को बनाने के लिए इस चीज का ध्यान सबसे ज्यादा दिया जाता है। जब सुरंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है ना, तो सबसे पहले उस सुरंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, क्योंकि इस बात का जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब पूरा सुरंग बनकर तैयार हो जाएगा तो वो फ्यूचर में कैसा दिखेगा, कैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो सुरंग का कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र के अंदर इतने बड़े बड़े सुरंगों को बनाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, लेकिन अभी हम जानेंगे कि समुद्र के ऊपर यानी कि सड़कों पर बनी सुरंग को कैसे बनाया जाता है। सड़क के ऊपर बनी सुरंग को बनाने के लिए हमारे इंजीनियर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सुरंग चाहे सड़क के ऊपर हो या फिर समुद्र के नीचे, दोनों सुरंग को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है और समय के साथ साथ काफी ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब सड़क के ऊपर सुरंग बनाने का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है ना, उससे पहले सभी सामानों को इकट्ठा किया जाता है और साथ में जरूरी मशीनों को लाया जाता है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तब सुरंग बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी जाती है और तब इसका प्रक्रिया शुरू होता है, जिसके लिए कई सारे वर्कर्स तैयार रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर सुरंग को बनाने वाली जगह की मिट्टी काफी ज्यादा सख्त है और चट्टानों से भरी हुई है, तो इसके लिए इंजीनियर्स दो तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। पहली तकनीक को हेडिंग कहते हैं और दूसरी तकनीक को बेंच कहते हैं। पहले तकनीक के जरिए जिस जगह पर सुरंग बनाई जाती है उस जगह के दोनों छोर पर सबसे पहले दो बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, और दोनों छोर पर बनाए गए इन गड्ढों को हेड कहते हैं। इन गड्ढों को बनाने के बाद इन्हीं गड्ढों के नीचे दो और बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसे बेंच का नाम दिया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन गड्ढों का शेप बिल्कुल किसी बेंच की ही तरह रहता है। दोस्तों जब दोनों तरफ सुरंग बनाने से पहले गड्ढे कर दिए जाते हैं ना, तब बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए किए गए गड्ढों में से मिट्टी को निकालते हैं, और मिट्टी निकालने के बाद इन गड्ढों को दीवारों पर कंक्रीट की मदद से दीवारों को और भी ज्यादा सख्त किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो सके। इन सभी चीजों को करने के बाद बनी सुरंग के अंदर कंक्रीट की मदद से दीवारों के साथ साथ जमीन पर भी पूरा काम करवाते हैं। ये सारा काम होने के बाद सुरंग में लाइटिंग का काम किया जाता है, और जब सुरंग लाइट की मदद से जगमगाने लगता है ना, तभी एक बार इस सुरंग की पूरी तरीके से टेस्टिंग करी जाती है। टेस्टिंग के बाद जब सरकार की तरफ से इस सुरंग को हरी झंडी यानी कि अप्रूवल मिल जाता है, तब इस सुरंग को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो अभी मैं आपको सख्त मिट्टी और चट्टानों को काट कर सुरंग को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताया है, लेकिन अगर वही मिट्टी गीली हो तो सुरंग को कैसे बनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों अगर मिट्टी सख्त है तो सुरंग बनाने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर वही मिट्टी गीली होती है तो फिर सुरंग बनाने का काम चार गुना बढ़ जाता है, और इस काम को करने में काफी ज्यादा कठिनाइयां भी रहती हैं, क्योंकि अगर मिट्टी गीली है तो वहां पर कई तरह की घटनाएं घटित होने की शंका भी रहती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर मिट्टी गीली है तो उसके धंसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए गीली मिट्टी में सुरंग बनाने के लिए कई तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है। गीली मिट्टी में सुरंग बनाने के लिए सबसे पहले उस जगह पर मौजूद सभी गीली मिट्टी को हटाया जाता है, साथ ही साथ उस गड्ढे में कंक्रीट और स्टील से बनी होली सिलेंडर को गड्ढे में डाला जाता है। ऐसा करने से सुरंग के अंदर मिट्टी धंसने या फिर बाकी तरह की समस्याओं से बचाया जा सकता है। जब उस मिट्टी में कंक्रीट और स्टील से बने होली सिलेंडर को डाल दिया जाता है
उसके बाद बची सभी गीली मिट्टी को मशीन के जरिए धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाता है। और इस काम को करने के लिए ना जाने कितना समय लगता है। आपको बता दें, जितनी लंबी सुरंग बनती है उतना ही ज्यादा समय लगता है, क्योंकि सुरंग जितनी लंबी होगी उतनी ही मिट्टी हटानी पड़ेगी और उन गड्ढों में कॉन्क्रीट और स्टील से बने होली सिलेंडर को डाला जाता है। आपको बता दें, आज के इस बदलते समय में ना जाने कितनी एडवांस्ड मशीनें हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं, और उसी में से एक सुरंग बनाने वाली मशीन है जिसका नाम टनल बोरिंग मशीन है, जो कि अपने आगे मिट्टी को काटते हुए अंदर बढ़ता चला जाता है और इसी की मदद से सुरंग को बनाया जाता है। और आप सभी को बता दें कि जब सुरंग को बनाने का काम शुरू होता है तो इससे पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है, ताकि इसका पूरा स्ट्रक्चर हमें पहले से ही पता हो और आने वाले फ्यूचर में ये सुरंग किस तरह की दिखेगी। दोस्तों, जब टनल बनाने का बेसिक काम पूरा खत्म हो जाता है, तब बारी आती है इसके फिनिशिंग की। सुरंग के अंदर बनी दीवारों पर कॉन्क्रीट लगाया जाता है, साथ ही वाटरप्रूफ पदार्थ को भी लगाया जाता है, ताकि इन सुरंगों को कोई नुकसान ना हो सके और ना ही इसमें आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इन सुरंगों के अंदर जब लाइटिंग से लेकर सारा काम हो जाता है, तब सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाती है और ये सुरंग यात्रियों के लिए खोल दी जाती है। तो दोस्तों, अभी तो आपने सड़क के ऊपर बनी सुरंगों के कंस्ट्रक्शन के काम के बारे में जाना है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे समुद्र के अंदर सुरंग को बनाया जाता है। दोस्तों, सड़क के ऊपर सुरंग को बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, साथ ही मुश्किल भी होता है, लेकिन समुद्र के अंदर सुरंग बनाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ताकि बनने से पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पता चल सके और इसके आगे के प्रोसेस को हम लोग शुरू कर सके। दोस्तों, समुद्र के अंदर सुरंग बनाने के लिए सबसे पहले स्टील और कॉन्क्रीट से बने बड़े बड़े पाइपों को समुद्र के अंदर डाला जाता है, और ये ही वो पाइप है जो समुद्र के अंदर सुरंग में यात्रियों के आने जाने का काम करते हैं। स्टील और कॉन्क्रीट से बने पाइपों को डालने के बाद बारी आती है इन पाइपों के अंदर भरे पानी, यानी कि सुरंग के अंदर भरे पानी को एक पंप की मदद से बाहर निकाला जाता है। जब इन सुरंगों से पानी निकालने का सारा काम हो जाता है और सुरंग अच्छे तरीके से सूख जाता है, तब बारी आती है सुरंग के अंदर फिनिशिंग का काम करने की। इसके अंदर सड़क से लेकर दीवारों पर सारा काम किया जाता है। जब समुद्र के अंदर ये सुरंग पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब भी इसके अंदर लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब सुरंग बनकर तैयार हो गई है तो आने जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो हम आप सभी को बता दें, ऐसा इसीलिए क्योंकि गाड़ी से निकलने वाला जहरीला धुआं इस सुरंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है, और इसीलिए इन सुरंगों के अंदर बड़े बड़े वेंटिलेशन पाइप्स लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से अंदर का धुआं बाहर और बाहर की ताजी हवा अंदर की ओर आती जाती रहती है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद ही सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल पाता है और फिर इसके अंदर लोग आने जाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के समय समुद्र के अंदर सुरंग बनाने के लिए भी एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से बैठे बैठे ही पता लगाया जा सकता है कि सुरंग बनाने वाली जगह की मिट्टी कैसी है, क्या यहाँ पर सुरंग बनाना सही रहेगा। इसके साथ ही सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाने वाली टनल बोरिंग मशीन में भी कई ऐसे एडवांस्ड फीचर्स आ गए हैं, जिसकी मदद से कई दिनों का काम सिर्फ कुछ ही घंटों में किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने समुद्र के अंदर बनी सुरंग में सफर किया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।